हेलो गाइस, मैं प्रीतिश मणि न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे डीसी से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले इस वीडियो में काफी सारे हाईलाइट अपडेट्स हैं, जिसमें कि बैटमैन से रिलेटेड अपडेट है, शज़ाम 2 से रिलेटेड, वंडर वुमन, और वीडियो की एंडिंग में डीसी फैन इवेंट के बारे में भी इन्फॉर्मेशन है। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बैटमैन के अपडेट के बारे में, जो कि आज की वीडियो का हाईलाइट अपडेट है। DCU में अगर बात करी जाए बैटमैन कैरेक्टर के बारे में, तो इसमें काफी सारे हमें ओरिजिन्स मूवी देखने को मिलती है बैटमैन की, और काफी सारे एक्टर ने बैटमैन का कैरेक्टर प्ले भी करा है। अगर बात करी जाए माइकल कीटन की, जो कि 1989 में रिलीज हुई थी बैटमैन मूवी, जो कि लोगों ने काफी ज्यादा उसको बहुत ज्यादा पसंद भी करा, अब वो कैरेक्टर दोबारा से रिटर्न हो रहा है। जी हाँ, माइकल कीटन का जो कैरेक्टर था बैटमैन, अब वो दोबारा से हमें DC मूवी में देखने को मिलेगा अपकमिंग फ्लैश पॉइंट मूवी में। जी हाँ, ये आपको काफी ज्यादा सरप्राइज कर देगा। और देन काफी लोगों का ये कहना है कि इससे फ्लैश पॉइंट मूवी से DCU की टाइमलाइन सही हो जाएगी। जितने भी सुपरमैन और बैटमैन एग्जिट करते हैं DCU की टाइमलाइन में, वो सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। और तो और फ्लैश पॉइंट मूवी में हमें जेफरी का भी बैटमैन कैरेक्टर देखने को मिलेगा, जो कि बैटमैन यानी कि ब्रूस वेन के फादर हैं, जिन्होंने खुद एक बैटमैन का कैरेक्टर प्ले करा था। और तो और हमें सुपरमैन भी इस मूवी में देखने को मिलेगा। तो गाइस, ये बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है। अब बात करते हैं वंडर वुमन से रिलेटेड अपडेट के बारे में। तो टोटल फिल्म एक मैगजीन कवर ने एक ऑफिशियली स्टिल इमेज लॉन्च करी है, जिसमें कि हमें पीटर पाइन का अपने खुद के कैरेक्टर नजर आ रहे हैं, और गैल भी अपने खुद के कैरेक्टर में नजर आ रही है। उसी के साथ मार्था रिटर्न हो रही है शज़ाम 2 में, जो कि ऑफिशियली कन्फर्म हो चुका है, और देन वो इस कैरेक्टर के लिए बिल्कुल प्रिपेयर है और तैयार भी है। शूटिंग नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाएगी, और जो सब कोई अपडेट होगा आपको बता दूंगा। उसी के साथ कुछ एक्स्ट्रा इमेजेस भी लॉन्च हुई हैं गैल की, जो कि वंडर वुमन कैरेक्टर की हैं, और ये काफी ज्यादा सुंदर लग रही है व्हाइट ड्रेस में, और लोगों ने इसे काफी ज्यादा पसंद भी करा। उसी के साथ एक कॉन्सेप्ट आर्ट में चीता का एक टीवी में लुक नजर आया है, जिसमें कि उनका पहला लुक बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, पर CGI से ये और ज्यादा अच्छा लगेगा। और टोटल फिल्म मैगजीन ने तो ऑफिशियली कवर पेज भी लॉन्च कर दिए, जिसमें कि वंडर वुमन ने गोल्डन आर्मर पहन रखा है, जो कि एक ईगल आर्मर है, और बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी खुशखबरी के बारे में। तो DC फैंस, आपके लिए खुशखबरी है कि एक DC का इवेंट होने वाला है, जो कि होगा 22 अगस्त 2020 को, यानी कि इस साल। और इस इवेंट में हमें सारी एक्टर कास्ट देखने को मिलेंगी, और ये इवेंट घर पर होगा, यानी कि आप इसे घर पर बैठकर लाइव देख सकते हो। सभी एक्टर्स ने कंफर्म कर दिया TV सीरीज, मूवी, अपकमिंग TV शोज के बारे में, मूवीज के अपडेट पता चलेंगे इस इवेंट में, और मैं आपको ये सारे अपडेट लाइव बताऊंगा बैठकर। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो, पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आता तो लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नए देख रहे हो, या तो उस पर वंडर वुमन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।